नमस्कार बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर वन ऑनलाइन चैनल अकेडमी पर और मैं अन अकेडमी यूपी एग्जाम चैनल की तरफ से आपके साथ जुड़ गई हूं डॉक्टर अना शराफ एक बार मुझे बता दीजिए कि प्रॉपर ऑडियो वीडियो आप लोगों को मेरा आ रहा हो ठीक है आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही हो आपको हमारी वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रही हो सामने आपको थमनेल दिखाई दे रहा है ये हमारा मॉर्निंग वाला क्लास है डेली चलता है हमारा क्लास सुबह मॉर्निंग पर ठीक है जी बात समझ में आ रही है और ये उन सभी छात्रों के लिए है जो ऑलरेडी कोर्स कवर कर चुके हैं या लगभग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिविजन वो करना चाहते हैं हम लोगों के साथ तो उन लोगों के लिए ये क्लास है जो हम लोगों ने डिज़ाइन करा है ठीक है ओके जी चलिए और एक बार मैं देख लेती हूँ मेरे साथ कौन कौन से बच्चे ऑनलाइन हैं अभी कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं इसके अलावा अभी आगे बताने से पहले ना मैं हमारा जो प्लस कोर्स मेरा नया प्लस कोर्स आ रहा है आप लोगों के साथ मैं जस्ट अभी आपको बताती हूँ जस्ट एक बार मैं चेक कर लूँ कि बच्चे ऑनलाइन कौन कौन से हमारे साथ हैं इस समय वीडियो पर बच्चों मुझे कंफर्म कर दीजिए मैं जब भी आगे बढ़ूंगी जब आप मुझे कंफर्म कर देंगे कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही हो बिल्कुल तो बच्चा ये मॉनिंग का जो हमारा मॉकटेस्ट सेशन चल रहा है ये बेसिकली इसके अंदर मैं क्वेश्चन कराती हूँ एम सी क्यू कराती हूँ और मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया जिन्होंने अभी हाल फ़िलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं तो उनका कहना है कि मैम इस सीरीज से हमको बहुत फ़ायदा हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्टिड यहाँ से वहाँ पर मिले चलिए अब बात करती हूँ मैं अपने प्लस कोर्स की प्लस कोर्स जो है हमारा छब्बीस जनवरी से यानी कि परसों से ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इसमें वीकेंड्स पर मेरी क्लास आपको मिलेगी सैटरडे uh, संडे को मेरा क्लास आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और बाकी और भी टीचर्स हैं आपके साथ हिमांशु थापा जी जोग्राफी के लिए मुकेश कुमार पॉलिटी गवर्नेंस तारिक खान हिस्ट्री निर्मेश कुमार एनवायरमेंट और डॉक्टर मनमोहन इकोनॉमी और डॉक्टर एना शगराफ आपके साथ साइंस एंड टेक मेरा कोड है रायना टैन अगर आप ऑलरेडी इन अकेडमी के मेम्बर हैं बच्चों तो आपको उसके अलग से कोई शुल्क नहीं देना है लेकिन अगर आप अभी तक हमारे मेंबर नहीं बने हैं हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो आपको भैया थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा आपको तीन सौ सत्तर रुपया महीना खर्च करना पड़ेगा और सारे कोर्सेज का एक्सेस पी डी एफ टेस्ट सीरीज लाइव क्लासेस एजुकेटर के साथ ये नहीं कि आप पी डी एफ डाउनलोड नहीं कर सकते आप अंग्रेजी माध्यम से हिंदी में नहीं कन्वर्ट हो सकते सब कुछ फैसिलिटीज आपको हमारे इन कोर्सेज के साथ मिलेगी ठीक है बच्चा बात समझ में आ गया चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास और आज का जो मेरा क्लास है उसके अंदर वही चर्चित मुद्दे क्योंकि कल मैंने आपको एमसीक्यू कराए थे और स्पेशली uh, कल मैंने बायोलॉजी के एमसीक्यूज क्यूज आपको कराए थे ठीक है बच्चा चलिए तो शुरू करती हूँ मैं आज की क्लास और शेफाली जी गुड इवनिंग अनीता जी गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग चलिए तो करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे पहला अपडेट नंबर वन पहला आपके सामने आ रहा है बच्चों चेन्नई कॉरपोरेशन के द्वारा चेन्नई कॉरपोरेशन के द्वारा भारत का अपनी तरीके का पहला वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम यानी कि जो अपशिष्ट जो कूड़ा कचरा होता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ठीक है यानी कि जो कूड़ा कागट सब जगह से इकट्ठा होगा तो उसका पोर्टल बनाया गया है पोर्टल और ये पोर्टल बनाया गया है चेन्नई कॉरपोरेशन के द्वारा और ये तमिलनाडु ऑब्वियसली तमिलनाडु अपने देश में पहला ऐसा सेंटर बना है जहाँ पर इस तरह का सिस्टम शुरू किया गया है और ये इसका नाम रखा गया है मद्रास प्लीज़ नोट करिएगा मद्रास वेस्ट एक्सचेंज ठीक है बच्चा नोट करिए इसका सेंटर का नाम नोट करिए अपनी तरीके का पहला है ये चलिए अगला नेक्स्ट अगला अपडेट हेलो अमर अर्षदीप नमस्कार गुड इवनिंग जी बच्चा गुड इवनिंग चलिए अगला चलती हूँ मैं एक बच्चों आपने इस साल न्यूज में सुना होगा और नहीं सुना होगा तो मैं रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों को नवम्स 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 ये 19 क्या चीज है बताइए किसी को पता है नवम्स इट नेवल वेपन सिस्टम हमारी जो इंडियन नेवी है इंडियन नेवी के द्वारा लिया गया सिस्टम है और इस पर एक अंतरराष्ट्रीय बैठक हुआ था नई दिल्ली में अभी न्यू दिल्ली में तो आपकी इंडियन नेवी के पास कौन कौन से वेपन है तो वो डिस्प्ले में रखे गए थे उसका पूरा प्रदर्शनी लगाया गया था मतलब के ये मिलकर बनाया था मतलब डिफेंस एक्सपो टाइप आप कह सकते हैं कि हम्म, ठीक है तो अ नेवल वेपन सिस्टम नई दिल्ली में इसका पूरा आपका डिस्प्ले किया गया था ठीक है तो अगर ये पेपर में आ जाता है नवम्स क्या है तो आपको याद रखना नेवल वेपन सिस्टम आपके इंडियन नेवी के द्वारा जो भी हमारे द्वारा वेपन्स वगैरह इकट्ठे होते तो हैं जैसे मैंने अभी प्लस पे आपको बताया था डिफेंस की क्लास चल रही थी तो उसमें पूरा आपको इंडिया का मिसल सिस्टम इंडियन नेवी आर्मी सब बताया मैंने आपको तो वैसे ही ये एक नेवल वेपन सिस्टम आपका चलिए अगला नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के लिए जो जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं जिनको आप बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा में बोला जाता है दिव्यांग तो दिव्यांग जनों के लिए, दिव्यांग जनों के के लिए लिए दिव्यांग ठीक है उनके पुनर्वास के लिए ठीक है अभी लास्ट एक साल हो गया दिसंबर में दिसंबर 19 में ठीक है तो आपके भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी तो उन्होंने सेंट्रल सोशल जस्टिस है ना एंड सेंट्रल सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की उन्होंने स्थापना करी है और मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये बेसिकली जो सेंट्रल सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है ऑलरेडी है, है आपका तो डिसेबल्ड जनों के बेहतरी उनके पुनर्वास में जो सबसे अच्छा पूरे इंडिया में जो सबसे अच्छा कार्य रहा वो उत्तर प्रदेश सरकार का रहा तो उत्तर प्रदेश सरकार को ये अवार्ड दिया गया किसके द्वारा दिया गया नायडू के द्वारा और इस अवार्ड का नाम था नेशनल अवार्ड फॉर एक्सिलेंस ठीक है बच्चा इस का? नेशनल ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है और जनों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उनके रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास उनको दोबारा से उनके रोजगार उनकी शिक्षा उनके परिवार उनको सामाजिक न्याय सामाजिक स्टेटस दिलवाने के लिए जितने भी कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाए हैं तो उसके लिए उनको ये नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस दिया गया पास समझ में आ गई चलिए ओके अब और अपडेट सेकंड अगला अपडेट आपको देती हूँ मैं बच्चों रोहतांग सुरंग रोहतांग कहां है भाई रोहतांग सुरंग कहां पड़ती है आपकी वेर इज रोहतांग दगा भी है पास भी है कहाँ पड़ता है बच्चा रोहतांग आपका तो रोहतांग सुरंग ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पड़ता है बच्चा हिमाचल प्रदेश ठीक है एच और हिमाचल प्रदेश में ठीक है अभी इसका नाम बदल कर इस सुरंग का नाम बदल दिया गया है बच्चा हेलो जावेद अहमद जी नमस्कार स्वागत अभिनंदन आप सभी का तो रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर बच्चों ये रख दिया गया है आपके जो पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर ये नाम रख दिया गया है अटल बिहारी ठीक है इसका नाम अटल टनल रखा गया है क्या रखा गया है बच्चा एक अटाला मस्जिद है आपकी जौनपुर में तो उस बात पे भी बच्चे कई बार कंफ्यूज आता है कि अटल बिहारी जी के नाम पर है क्या नहीं, नहीं नहीं बहुत पुरानी मस्जिद है मतलब ये सोलह सत्रहवीं शताब्दी की मस्जिद है इफ आई एम राइट

बच्चों अगला समझिएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की हम बात कर गए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट बच्चों महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे तो बन चुका है बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे है एट लेन का एक्सप्रेसवे है जबरदस्त गाड़ी दौड़ाने में मजा आता है वहां पर और पहाड़ों ऐसा लगता है कि इधर से झगने बह रहे हैं दोनों तरफ से और इधर बीच में बहुत चौड़ा रोड है आप लगता है पहाड़ों के बीच में आप लोग ट्रेवल कर रहे पहाड़ काट के पूरा <laughs> तो मुंबई नागपुर डक्कन का प्लेट्यू पड़ता है महाराष्ट्र की तरफ मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे आपका बनाया गया ठीक है तो इस, ना, मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे का नाम बदल के बाल ठाकरे के नाम क्या नाम है बाल ठाकरे आपके दिवंगत बाल ठाकरे जी के नाम पर इसका नाम बदलने की पुरजोर कोशिश है ठीक है चलिए अगला नेक्स्ट अगला अपडेट देते हैं आपको बच्चों अभी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बच्चों वीडियो को लाइक शेयर डू हिट अ लाइक बटन डू हिट अ सब्सक्राइब बटन टू तो आवर चैनल प्लीज ये ये काम नहीं रुकना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके अभी एआईआर एआईआर एफएम रेडियो तो ऑल इंडिया रेडियो नाम सुना है कि नहीं सुना है तो अब ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल दिया गया है और ऑल इंडिया का नाम में बदलाव करके 2024 तक अब ए नहीं चलेगा अब ए की जगह 2024 तक हमारा जो लक्ष्य आया है ठीक है तो अब हम उसको बता देंगे डिजिटल रेडियो क्या बोल देंगे जी डिजिटल रेडियो नोट करिएगा प्लीज इसको काइंडली नोट इट आउट जितने भी अपडेट्स आपको दे रही हूँ नोट करते चलिए बार बार अपडेट्स नहीं मिलने वाली है पूरे साल का चलिए अगला नेक्स्ट अपडेट बच्चों आपकी डेली सरकार ने क्वेश्चन आ सकता है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया तो अब आपको याद रखना है दिल्ली में हुआ है ठीक है तो दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स क्योंकि पॉल्यूशन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो जितने भी विद्युत वाहन है आपके यानी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ठीक है थीके? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है विद्युत वाहन है तो उनकी खरीदारी में बढ़ावा देने के लिए बच्चों कर दिया है 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 ठीक ये आपको याद रखना कौन सी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, है। चलिए अगला Next update. बच्चों अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं थोड़ा सा ये मैं आपको पूरे साल की अपडेट दे रही हूँ बच्चा प्लीज इसको नोट करते रहिएगा और साथ में फिर एक बार जो बच्चे भी ऑनलाइन अभी आए उनको बता दूं कि मेरा आपके अन अकेडमी प्लस पर ऑलरेडी एक प्रोग्राम 26 दिसंबर को दोबारा लॉन्च हो चुका है फाउंडेशन कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सभी टीचर्स के साथ हम सारा कंसोलिडेट बैच है हेलो समरदीप गुड इवनिंग और मेरा जो क्लास चलेगा वो आठ से ग्यारह चलेगा शनिवार और इतवार में बाकी दिन आप इन सबकी क्लासेस ले सकते हैं और भी पचासियों क्लासेस आप ले सकते हैं शुल्क है मात्र तीन सौ सत्तर रुपये महीना और उसके अलावा दो साल का सब्सक्रिप्शन और बहुत सारी सहूलियतें आप लोगों के लिए चले अगले अगले अपडेट पे चलती हूँ मैं अंडमान एंड निकोबार की हम लोग बात कर रहे थे बच्चा अंडमान और निकोबार जो आपका द्वीप समूह है तो यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है उसका नाम है अबरडीन अबरदीन उसको कहा जाता है अबरदीन पुलिस स्टेशन को अबरदीन पुलिस स्टेशन को पूरे इंडिया का देश का सर्वश्रेष्ठ देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है ठीक है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया नोट कर लीजिए बच्चों मैं इसलिए आराम-आराम से लिख रही हूं ताकि अगर आप लोग स्क्रीन ले रहे हैं या आप लोग लिख रहे हैं तो आपकी स्पीड में कोई कमी ना आए ठीक है चलिए अगला नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं हम लोग बच्चों आपका यूपी के अंदर देश का पहला ट्रांसजेंडर यानी कि जो आपका थर्ड जेंडर होता है तो ट्रांसजेंडर्स के लिए पहला यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है और बच्चे को नर्सरी से लेकर और पीएचडी तक करने की पूरी सुविधा ट्रांसजेंडर ठीक है तो ट्रांसजेंडर्स के लिए थर्ड जेंडर्स के लिए यूनिवर्सिटी आपके उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में बनाई जाएगी कहा बनाई जाएगी बच्चा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनाई जाएगी ठीक है ये देश की पहली यूनिवर्सिटी है जो आपकी ट्रांसजेंडर्स पूरा नर्सरी यानी बचपन से लेकर और पीएचडी तक यानी डॉक्टरेट भी करने की व्यवस्था वहां पर की गई है इस कोर्स के लिए चलिए अगला नेक्स्ट अपडेट बच्चों लोथल दोबारा चर्चा में है मैं आपको बता देती हूँ लोथल आपका सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का एक पार्ट लोथल सभ्यता आपकी और इस समय गुजरात लोथल ठीक है आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में तो बच्चा वहां की एक अपडेट है पहला देश का पहला भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय यानी कि मैराइन विरासत समझते हैं आपका आपका कल्चर है ना आपका पूरा नीति क्या चल रहा है देश के अंदर मतलब आपका कहते हैं ना हमारी विरासत है ये हमारा कल्चर चला रहा है तो इट वॉज ए फर्स्ट मराइन नेशनल कल्चर म्यूजियम ठीक है समुद्री विरासत संग्रहालय देश का पहला नेशनल मराइन कल्चर म्यूजियम नोट करिएगा इसको अपने पास कहां पे बनाया जाएगा लोथल गुजरात चलिए अब बहुत जबरदस्त अपडेट आपको दे रही हूं आपका जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मेघालय सात बहनों का एक भाई कहा जाता है छठी बहन सातवीं बहन कही जाती है मेघालय बच्चों मेघालय में एक नई मछली है मछली बहुत ध्यान से कान खड़े करके सुनिए क्या बता रहे हैं आपको कान ऐसे खड़े कर लीजिए टोपे में से कान बाहर निकाल के और सुनिए जगह का टोपा पहन के बैठे हैं। <laughs> बच्चों मछली की नई प्रजाति खोजी गई है मेघालय के अंदर और इस मछली का नाम है ठीक है नाम नोट कर लीजिए मछली की नई प्रजाति है शिष्टुला प्रजाति है ये शिष्टुला सिग्ने का ही और इसकी खोज की गई है मछली कहाँ पर खोजी गई है मेघालय में खोजी गई है माफ और मछली और माफर मेघालय भारत में ये मैं आपको दिसंबर 2019 से लेकर और पूरे साल का अपडेट क्योंकि तो लगभग हम अंतिम चरण पर है दो दिन बचे हैं नया साल आने में और इसलिए ये पंद्रह दिन का लगातार का सीरीज चलता रहेगा जब तक पूरे साल के बेस्ट चीजें आप तक हम ना पहुंचा दे चलिए अगला अपडेट आप लोगों के लिए बच्चों नागालैंड में एक पर्व मनाया जाता है हर साल मैं फिर बता देती हूँ नागालैंड में एक पक्षियों का हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है ऐसे करके टोकुन जैसी चिड़िया होती है बड़ा लंबा तोता टाइप होता है वो तोते की प्रजाति की होती है आगे लंबी सी चोच होती है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहा जाता है उसको ठीक है हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में आपका मनाया जाता है क्वेश्चन आ जाता है कई बार ठीक है चलिए नेक्स्ट अपडेट बच्चों जो सांभर झील है झील कहाँ पर है बच्चों झील कहाँ पर है सांभर झील है आपकी राजस्थान में ठीक है तो ये आपका ज्योग्राफी वाइज भी इंपॉर्टेंट है इसको नोट करते रहिए तो जो आपका सांभर झील राजस्थान है आपको पता है बच्चों अभी यहाँ पे ना हर साल दूसरे देशों से बहुत सारी चिड़िया आती है माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है क्योंकि जहाँ से चिड़िया आती हैं वो यूरोप कजाकिस्तान और उधर से आती हैं बहुत ठंड होती है अंडे नहीं दे सकती है तो अंडे देने के लिए और प्रवास करने के लिए माइग्रेशन करने के लिए हर साल सांभर और उधर चिल्का लेक की तरफ हर साल चिड़िया आती है ठीक है तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हम इनको कहते हैं यानी कि इधर से उधर घूमती रहती है ये हजारों किलोमीटर का सफर तय कर कर आपके देश तक आती हैं हमारी मेहमान होती है कुछ समय के बाद चली जाती है तो लेकिन दुख की बात ये है बच्चों न्यूज में इसलिए आया दोबारा इस बार 1800 मेहमानों की मृत्यु हो गई है हमारे 1800 मेहमान जो बहुत दूर से आए थे तो 1800 मेहमान डेड पाए गए 1800 बर्ड्स आपकी डेड पाई गई और ये चिड़िया जो है ये मरी क्यों ये रिपोर्ट आई थी बाद में इस रिपोर्ट का सार था एवियन बोटोलिज्म बच्चों एक तरीके का बर्ड फ्लू होता है ये जहरीला पता नहीं इन्होंने ऐसा क्या समुद्र तट पर खा लिया एवियन बोटोलिज्म बोटुलिज्म होता है फूड पॉइजनिंग तो बहुत जबरदस्त इनके पेट में इन्फेक्शन सरकार द्वारा इस पर इमिजिएट स्टेप लिया गया और जब टेस्ट रिपोर्ट आई फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि इनको बॉटोलिज्म का ये इन्फेक्शन हुआ यानी कि पेट में संक्रमण हुआ और उसकी वजह से चिड़िया बहुत नाजुक जीव होता है और इसी वजह से ये फॉरन फैलता चला गया और इनकी मृत्यु हो गई सड़ा हुआ पता नहीं क्या खा लिया लोगों ने तो हम समझ नहीं पाए और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो तो इस पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जाए और इस पर बैठक भी बिठाई गई काफी डिस्कशन में रहा था ये ठीक है चलिए आगे चलती हूँ नेक्स्ट और बच्चा वीडियो लाइक शेयर करते रहिएगा ताकि हमारा मनोबल बड़ा रहे और आपका ज्ञान हम इसी तरीके से बढ़ाते रहे चलिए अगला चलती हूँ नेक्स्ट बच्चों मणिपुर में ऑरेंज फेस्टिवल एक मनाया जाता है आपके भारत में ऑरेंज फेस्टिवल ये फेस्टिवल आपका मनाया जाता है मणिपुर में बच्चों ये अक्सर छोटे छोटे आ जाते हैं पेपर में और आप इन्हें गलत कर जाते हैं तो इसलिए आपको रिवाइज करा रहे हैं चलिए अब क्योंकि लद्दाख बहुत चर्चा में था दो साल से यूटी स्टेट बनने की वजह से तो लद्दाख के अंदर भी एक महोत्सव मनाया जाता है उसका नाम भी आप नोट कर सकते हैं ये पेपर में मैचिंग के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन आपको चार गुदा त्यौहारों के नाम दे दिए महोत्सव के नाम दे दिए और चार गुदर स्टेट के नाम दे दिए और आपसे बोला कि भैया मैच करिए तो लद्दाख में कौन सा भैया महोत्सव मनाया जा रहा है लोसर महोत्सव ऑलरेडी बना चुके हैं लोसर अभी दोबारा बनाया जाएगा जनवरी जैसे स्टार्ट हो जाएगा यहाँ लद्दाख में दोबारा लोसर महोत्सव आपका बनाया जाएगा हॉरेंज फेस्टिवल मणिपुर में नागालैंड में हॉर्नबिल ठीक है बात समझ में आ रही है और लोसर बना लद्दाख में नोट करते रहिएगा अपने पास चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के लिए बच्चों आपको पता है पूरे विश्व में हज यात्रा को डिजिटल करने वाला पूरे विश्व में हज यात्रा को हज की यात्रा मतलब मतलब जो प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन और बहुत सारी स्टेप्स होते हैं हज तक जाने के लिए तो इंडियन मुस्लिम्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि भारत पहला ऐसा राष्ट्र बना है जहां पर हज जाने की जो प्रक्रिया है उसको डिजिटल बना दिया गया है So डिजिटलाइज कर दिया है चलिए अगला अपडेट आप लोगों के लिए बच्चों अब मध्य प्रदेश में भी एक महोत्सव आपका मनाया अभी जाएगा क्योंकि पिछले साल का तो हो चुका है अगले साल का मनाना है उसका नाम है मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं मांडू क्या बोलते हैं बच्चा इसको मांडू महोत्सव मांडू महोत्सव ये मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा बच्चा आपका मांडू महोत्सव आपका मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर ठीक है चलिए अच्छा मध्य प्रदेश में एक और अपडेट मुझे याद आ गई नमस्ते ओरछा ओरछा और एक जगह है बड़ी पुरानी जगह है ओरछा और ओरछा में मध्य प्रदेश के बहुत सारे पुराने इमारतें बहुत सारी इमारत पुरानी च, च, आ, आपको बिल्डिंग्स वगैरह वहां पे मिल जाएंगी तो अभी हाल ही में इन्होंने नमस्ते ओरछा 2020 ये आयोजित कर चुके हैं वो ये भी आपका ओरछा जगह कहाँ पर आती है जी मध्य प्रदेश में चलिए अच्छा जी अब जरा एक और अपडेट आपको देते थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको पता है बच्चों भारत के पास पूरे विश्व में 170 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना एक कामे सोलह गोलों की एक श्रृंखला है कि भुखमरी पढ़ाई शिक्षा स्वास्थ्य अनएम्प्लॉयमेंट ये सब ऐसे करके सोलह मुद्दे पूरे विश्व के इकट्ठे किए गए हैं और उन सोलह के सोलह मुद्दों पे कौन सा देश किस तरीके से कार्य कर रहा है इसकी हर साल रैंकिंग निकलती है ठीक है और देशों में हम अपने स्टेट की भी रैंकिंग निकालते हैं कि भैया हमारे देश के अंदर कौन सा राज्य इन सोलह फैक्टर्स के लिए काम कर रहा है ठीक है

तो भारत में कौन सा स्टेट नंबर वन पे है कौन सा राज्य है नंबर वन पे जिससे बहुत अच्छे से इससे डील कर रहा है तो पहला राज्य जो जिसका रैंक वन है इंडिया के अंदर वो है केरला प्लीज नोट करिए इसको नोट करिए पहला रैंक है केरला का और सबसे अंतिम यानी कि सबसे पिछड़ा रैंकिंग में जो सबसे नीचे है वो है बिहार और अभी मेरे पास अपडेट आई कि बिहार में राजनीति वाइज कुछ अच्छा नहीं चल रहा भाजपा की सरकार में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले का अपडेट हमारे पास चलिए तो ये आपने नोट कर लिया आई होप आप सारी चीजें नोट कर गए हैं हमारे साथ बैठकर और बच्चों आप अपना नाम भी बता सकते हैं कमेंट में आकर आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ भाई हम मैम आपकी क्लास देख रहे हैं क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता कौन से बच्चे रेगुलर हमारी क्लासेस देखते हैं चलिए अगला स्वच्छ निर्मल तट अभियान क्या है बच्चा अगला अपडेट आपके लिए स्वच्छ निर्मल तट अभियान ऐसा ही मतलब हिंदी में ही है यही है ये यह मत है कि मैम हिंदी में आपको बता नहीं ये हिंदी में आया है <laughs> तट अभियान मतलब के क्लीन आप ऐसे कह सकते हैं जितने आपके बीचेस हैं है ना तो बीच को साफ रखने का हाइजीनिक कहते हैं ना साफ सफाई भाई हम जब से आए मोदी जी जब से आए सत्ता में जब से सफाई की ज्यादा ही बात हो गई है कभी काला काला धन साफ कभी घाट साफ कभी नदियां साफ कभी गंगा साफ कभी पैसे साफ है ना कभी नोट ही साफ कर दिए पूरा बैन लगा दिए नोटो पर साफ <laughs> तो कहने का मतलब सफाई जोरों पर चल रही है तो सफल स्वच्छ निर्मल तट अभियान आप लोगों के लिए और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उनके द्वारा ये अभियान चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ मॉफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट बोलते हैं आप इसको और इसका उद्देश्य है कि जितने भी हमारे देश में जो तटीय इलाके हैं कोस्टल एरियाज हैं कोस्टल इकोसिस्टम है वहाँ पर गंदगी ना छोड़ी जाए बीचेज पर गंदगी ना छोड़ी जाए उनको साफ सफाई रखी जाए वहाँ पर बात समझ में आगे गए गाइस तो ये स्वच्छ निर्मल तट अभियान आप लोगों का चलिए इसके बाद अगला बताती हूँ आपको अगला है शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप अगला, अगला अपडेट सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है <laughs>

उनकी सुरक्षा है ना किस तरीके से उनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए हर तरीके से इसमें एडवाइजेस और उनके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स इसके अंदर बताए जाएंगे चलिए नेक्स्ट अगला अपडेट आपको देते हैं <coughs> बच्चों घर घर रोजगार कार्यक्रम हाँ जी पंजाब की बात आ गई है पंजाब सरकार द्वारा <coughs> लिया गया इनिशिएटिव है ये और पंजाब से हमारे साथ दो बच्चे अक्सर आते हैं अर्षदीप और समरदीप तो पंजाब सरकार द्वारा घर घर <coughs> रोजगार कार्यक्रम ठीक है और ये जो है आपका बेरोजगार युवकों के लिए तो बच्चों इसमें एक हेल्पलाइन जारी किया जाएगा इसके अंदर एक हेल्पलाइन जारी किया जाएगा जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं मतलब बेरोजगार युवा हैं पंजाब के अंदर वो सभी अपना रजिस्ट्रेशन या अपनी अपनी जो भी समस्याएं हैं वो हेल्पलाइन नंबर के जरिए रजिस्टर करा सकते हैं तो इसी इनिशिएटिव का नाम दिया है पंजाब सरकार ने घर घर रोजगार कार्यक्रम चलिए अगला नेक्स्ट अपडेट बच्चों इंडियन जस्टिस रिपोर्ट हमारी एक रिपोर्ट निकलती है हर साल कि हमने अपने लोगों को कितना न्याय दिया न्याय देने की कितनी क्षमता है हमारे पास इतने कोर्ट्स हैं जजेस बहुत कम है हमारे पास केस पे केस तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख सनी देओल का डायलॉग याद है क्या मिलेगा तारीख एक और तारीख एक और तारीख और तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तो वही हालत है इंडिया की हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं लेकिन फिर भी तारीखें मिली जाती हैं जजेस बहुत कम है तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ये रिपोर्ट निकाली जाती है हर साल कि हमने अपने नागरिकों को कितना न्याय दिलवा दिया अभी तक कितने कोर्स अभी पेंडिंग हैं कितना चल रहा है तो इस रिपोर्ट के हर हाँ साल स्टेट्स का निकाला जाता है तो इसमें मैं आपको बता दूं नंबर वन जो राज्य है नंबर वन, प्रथम जो राज्य है वो है आपका वो है आपका महाराष्ट्र ठीक है हाँ अर्षदीप साडा पंजाब है ना साडा पंजाब में घर घर रोजगार योजना और इसके बाद इंडियन जस्टिस रिपोर्ट आपकी दो इसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा मतलब आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा वहीं पर समस्याओं का निदान हुआ और सबसे गंदा परफॉर्मेंस जिसका रहा वो रहा अपना यूपी <laughs> तो अपना यूपी सबसे लेट रहा पीछे रहा तो लास्ट रैंकिंग इसकी आई यूपी की यूपी वाले केस सबसे ज़्यादा लटकाते हैं भाई इलाहाबाद वाले चक्कर लगवाते रहते हैं आओ भाई आओ भाई आओ भाई वकील तागिक पे तागिकागिक पे तागिक और केसों का निपटान की जगह फाइल पे फाइल चढ़ती रहती है चलिए अगला अगला अपडेट आप लोगों के लिए बच्चों अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट बुक फेयर का आयोजन किया गया था नॉर्थ ईस्ट बुक फेयर ठीक है ये बुक फेयर जो है आपका ये गुवाहाटी में लॉन्च किया गया कहां पे लॉन्च हुआ बच्चा गुवाहाटी में हुआ और इसका इनॉग्रेशन करा आपके वेंकैया नायडू जी ने यानी के आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने इसका इनाग्रेशन कर नोट कर लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट का फेयर कहाँ पर आयोजित किया गया चलिए अगला बच्चों आपके विज्ञान यानी के साइंस सम्मेलन समागम एक किया गया मीट एलोमनाई मीट टाइप किया गया और ये आपका मेगा साइंस एग्जीबिशन नोट करिए ये मेगा साइंस एग्जीबिशन आपका कोलकाता में लगाया गया है कहाँ लगाया गया है बच्चा कोलकाता में ठीक है और इसका नाम दिया विज्ञान समागम इसका नाम दिया गया विज्ञान समागम 2019 ठीक है और उत्तर प्रदेश में पीसीएस क्वालिफाई करने वालों के लिए गुड न्यूज है कि मेंस के फॉर्म आ चुके डेट आ चुकी है मेंस के एग्जाम की उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 के लिए तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं डेट शीट आ गई है इक्कीस जनवरी से पेपर है तो भैया रेडी हो जाइए मेन्स का डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं गोइंग फॉरवर्ड अगला बच्चों एक फेस्टिवल मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम उसका नाम है चेरी ब्लॉसम ठीक है क्या नाम है फेस्टिवल का चेरी ब्लॉसम नाम है ये फेस्टिवल आपका भारत और दक्षिण कोरिया भारत और दक्षिण कोरिया द्वारा मिलकर आयोजित किया गया चेरी ब्लॉसम और इसका आयोजन आपका हुआ था शिलोंग यानी के मेघालय में ठीक है बच्चा नोट करते रहिएगा इसको चलिए अगला अपडेट आप लोगों के लिए बाली यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ध्यान से सुनिए अगला अपडेट है बाली यात्रा देखिए पूरे साल का अपडेट आपको दे रहे हैं हम इसके अंदर बाली यात्रा जो है आपकी वो लॉन्च की गई महोत्सव उड़ीसा में हुआ है बच्चा ये लॉन्च उड़ीसा ठीक है बाली महोत्सव और ये जो बाली महोत्सव है ये समुद्री इतिहास में पहली बार हुआ है उड़ीसा के अंदर ठीक है बाली यात्रा इसको नाम दिया गया है चलिए अगला बच्चों आपको पता है कि अभी 3 दिवसीय महात्मा बुद्ध जी के ऊपर तीन दिवसीय कार्यक्रम किया गया था उसको बोला गया था वर्ल्ड बुद्धिज्म समिट वैश्विक बौद्धिज्म या बौद्ध सम्मेलन वर्ल्ड समिट। ये कहाँ पर आयोजित की गई है बच्चों? गुड इवनिंग नगेंद्र कुमार लोधी जी वेरी वेरी गुड इवनिंग वर्ल्ड बुद्धिज्म समिट और इसका आयोजन महाराज ये तीन दिन चला है बच्चों थ्री डे फेस्टिवल रहा ये और ये वर्ल्ड समिट आपका लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र में बच्चों पूरे साल का अपडेट दे रहे हैं आपको जो चुनिंदा चर्चित रही चीज़ें पूरे साल में सबसे ज़्यादा न्यूज में रही आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और जो बच्चे पीसीएस सी क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए बता दूं कि मेंस का ऑलरेडी डेट शीट आ गया है जनवरी इक्कीस जनवरी से पेपर है आपके तो भैया रेडी हो जाइए रिविजन को जोर शोर से लगा दीजिए ठीक है राइटिंग प्रैक्टिस आपकी मस्ट होनी चाहिए और आपकी इसी प्रैक्टिस के लिए मेरा एक कोर्स ऑलरेडी चल रहा है एन अकेडमी पर यूपी एग्जाम्स पर इसमें हम इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में आप लोगों को पूरा यूपी पी का कवर कराएंगे सिलेबस तो जल्दी जल्दी करिए समय नहीं रहा है पंद्रह बीस दिन रह गए रिविजन के लिए बहुत अच्छा कोर्स है आप आ सकते हैं और हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं चलिए अगला अपडेट देती हूँ आपको तो ये तो रही बुद्धिज्म की बात अच्छा जी अब बच्चों कर्नाटका में एक सुरंग बावड़ी का जो है आपकी कर्नाटका में पड़ती है उसका नाम है सुरंग बावड़ी सुरंगा बावड़ी सुरंगा बावड़ी यह है आपकी कर्नाटका में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों को अगर मिस हो गया हो तो नोट करिएगा अपने पास सुरंगा बावड़ी बच्चों सुरंगा बावड़ी को वर्ष 2020 में है ना विश्व स्मारक यानी के वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में इसको इसको डाल दिया गया मतलब वैसे नहीं निगरानी रखी जाएगी अभी ऑब्जर्व किया जाएगा जैसे कहते हैं है। मिला मिला है, नगेंद्र तो तो है। जी, है जी हमारे साथ हिस्ट्री के दूसरे हमारी टीम ही अलग है बेहतरीन टीम है हमारी हमारी साथ अनुपम जी नहीं है और हमारे साथ हिस्ट्री में है तारिक सर एक्सेलेंट टीचर हैं तारिक सर और जोग्राफी के लिए हैं हिमांशु थापा जी और डॉक्टर मनमोहन सर इन इकोनॉमिक्स के लिए मुकेश सर पॉलिटी सोशल इशू और गवर्नेंस के लिए और निर्मेश कुमार सर हैं एनवायरमेंट के लिए और बाकी साइंस एंड टेक और थोड़ा बहुत मेरे हिस्से में ये प्लस फिर हमारा कोर्स चल रहा है छब्बीस दिसंबर से तो आप इसमें एनरोल करवा सकते हैं अगर ऑलरेडी आप लोग हैं जी चलिए सुरंगा बावड़ी की बात हो रही है और सुरंगा बावड़ी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वर्ष 2020 में इसको नामित किया गया है चलिए मतलब निगरानी लिस्ट में डाल दिया गया है इसको ठीक है अगला बच्चों आपको बता दे कि आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये मैं यूपी की अपडेट दे रही हूँ आपको ध्यान से सुनिएगा आपके यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर एथेनॉल एथेनॉल समझते हैं आप एथेनॉल का फॉर्मूला होता है सी एस थ्री ओ एच और इसका केमिकल नेम होता है इथाइल एल्कोहल ठीक है इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का उत्पादन करने वाली पहली चीनी मिल का गन्ने से क्या बनाया जाएगा इथेनॉल बनाया जाएगा किससे बनाया जाएगा बच्चों गन्ने के रस से उसको सड़ा कर बच्चों इस प्रोसेस को हम साइंटिफिकली बोलते हैं फर्मेंटेशन हिंदी में इसको हम बोलते हैं किड़वन हिंदी में उसको क्या बोलते हैं किड़वन बोलते हैं और गन्ने के रस को सड़ाकर फर्मेंटेशन के द्वारा एंजाइम्स की मदद से अल्कोहल कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करा जाएगा तो इस तरह की पहली मिल का उद्घाटन आपका उत्तर प्रदेश में किया गया है और इसका उद्घाटन हुआ है गोरखपुर में अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए अपने पास गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया है ठीक है चलिए मैं दो मिनट इसलिए देती हूँ डिस्कशन के बाद ताकि अगर आप नोट कर गए हो या आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आप आराम से ले सकें ठीक okay? है तो नोट करते रहिएगा जो भी अपडेट्स आपकी दे रहे हैं ये ये अपडेट मैंने आपको उत्तर प्रदेश के लिए दिया चलिए अगला नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं बच्चों अभी आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी तो उन्होंने पासी घाट बहुत ध्यान से सुनिएगा पासी घाट और बॉमजीर पासी घाट और बॉमजीर राजमार्ग पर ठीक है सीमा संगठन यानी के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ध्यान से नोट करिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सीमा सड़क संगठन इसको शॉर्ट में कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन ठीक है और यहां पर पहला सीसरी पुल बच्चों किसके द्वारा बनाया जाएगा इंपॉर्टेंट ये नहीं है इंपॉर्टेंट ये है, कौन बना रहा है ये बना रहा बी आर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रही है और इसका नाम है सीसरी पुल ऑलरेडी मतलब हो चुका है इसका उद्घाटन हो चुका है इट हैज बीन नाम नोट करिए पुल पुल का सीसरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट वेरी 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 इंपॉर्टेंट अपडेट नोट करते रहिए मुझे हंड्रेड परसेंट पता है इनमें से बहुत सारे अपडेट्स आपके पास नहीं है तो इसलिए नोट करते रहिए करते रहिए करते रहिए ठीक है पासी घाट बोमजीर राजमार्ग ठीक है और ये आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ द्वारा सीसरी पुल यहाँ पर लॉन्च किया गया है चलिए अगला बच्चों आपका दार्जिलिंग के अंदर चाय मिलती है तो बहुत आपको पता है कि दार्जिलिंग की चाय पूरे विश्व में मशहूर है तो दार्जिलिंग की चाय में दो तरह के हैं ग्रीन टी अक्सर मजा से आप लोग रैलिश करते हैं ग्रीन टी और एक आई है वाइट टी सफेद टी ठीक है काली टी तो आप पीते ही हैं ग्रीन टी भी आपको पता है एक सफेद टी और, सफेटी और सफेटी आई है सफेद टी और सफेद टी को जीआई टैग बच्चों दिया गया है जीआई टैग समझते हैं आप लोग बेसिक्स क्लियर है आपको जीआई टैग है जीआई टैग को फुल फॉर्म हम कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग और इस टैग के अंदर हम बात करते हैं कि भैया ये वहां की कहते हैं ना ये वहां से जाना जाता है ये जगह उस चीज की तो हो, 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 तो दायरे में आ सकती है जो वहीं पर स्पेसिफिकली मिलती हो जिसके नाम से वो चर्चित हो जहाँ से वो जानी जाती हो जैसे बनारस का हथ का उद्योग हो गया आपका या बनारस की साड़ियाँ हो गई बॉर्डर वाली है ना पटोला सिल्क तो ये सब जो है ये जीआई टैक्स के अंदर आता है जीआई टैक्स हर साल इक्वेशन आता है जीआई टैग में से इसको नोट कर लीजिए दार्जिलिंग की वाइट टी और ग्रीन टी चलिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ बच्चों भारत के नक्शे कौन तैयार करता है जो ये इंडिया में नए-नए नक्शे बनते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर का नया नक्शा तैयार होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर का नया नक्शा यानी कि न्यू मैप रेडी किया जाएगा बच्चों ये करता कौन है ये ये काम कौन करता है ये किसको ये अथॉरिटी मिली हुई है मैप वगैरह बनाने की बताइए कोई बच्चा जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं आप बता सकते हैं मुझे कि ये मैप कौन बनाएगा हु वुड हम्म लद्दाख और जम्मू कश्मीर को पता है कि नए रूल्स एंड रेगुलेशन नए बॉर्डर्स डिफाइन हुए वहां पर क्या तो ये मैप वगैरह कौन बनाता है यार हु वुड जो नया मैप बनेगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर का तो ये ये कौन बनाता है ये भारत सरकार किसको बोलती है कि भैया आप मैप बना के हमको दो या ये बॉर्डर यहाँ से यहां तक जाएगा बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा और बच्चों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें यार लाइक शेयर नहीं बढ़ रहे बिल्कुल भी जो बच्चे ऑफलाइन हमारी वीडियोस देखते हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि लाइक शेयर जरूर करते रहे आप लोग बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि ये जो नक्शा बनाने वाली संस्था है आपकी ठीक है आपको नहीं पता चलिए हम आपको बता देते कहते मैम हम ध्यान नहीं देते इन बातों पर कोई बात नहीं हम बता देते हैं बच्चों ये नक्शा बनाया जाता है सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्लीज नोट कर लीजिए और ये भारत सरकार के अंदर चलती है ये तो जितने भी नए बॉर्डर्स वगैरह डिफाइन होते हैं या कुछ भी चेंजेस हो रहा है जैसे स्टेट के अंदर से तेलंगाना बना तो नया बॉर्डर डिफाइन हुआ तो जब ये नए बॉर्डर्स वगैरह डिफाइन होते हैं आपके तो उनके जो नए मैप बनते हैं तो वो भारत सरकार के द्वारा एक अथॉरिटी है सर्वे ऑफ इंडिया तो वो इन मैपों को बनाती है वो बॉर्डर्स डिफाइन करती है वो सारी चीजों को डिफाइन करती है चलिए अगला अपडेट आप लोगों को देते हैं बच्चो अभी यूनेस्को ने ठीक है बहुत ध्यान से सुनिएगा यूनेस्को ने अभी मुंबई को मुंबई को ठीक है और हैदराबाद मुंबई को तो मूवीज के लिए यानी कि आपकी जो फिल्म जो मूवीज बनती हैं फिल्म्स बनती हैं और हैदराबाद इन दो लोगों का नाम लिया गया दो जगहों का नाम लिया गया तो हैदराबाद को तो कला के लिए पाल कला कौन सी कला बच्चा एक कला है उसका नाम है पाल कला ठीक है पाल कला के विकास के लिए और मुंबई को फिल्म कला के विकास के लिए अभी यूनाइटेड क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क यूनाइटेड यूएन क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क यूएनसीएन के रूप में नामित किया गया है बच्चों इन दोनों जगहों को बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट नोट कर लीजिए नॉमिनेट किया गया है यूएनसीएन यूएनसीएन की फुल फॉर्म क्या बताइए मैंने आपको मैं अगले पेज पे लिख देती हूँ यूएनसीएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड क्रिएटिव यूनाइटेड क्रिएटिव्स सिटीज नेटवर्कबर ठीक है यू सी सी एन ठीक है बच्चा क्लियर हो गया अपडेट क्लियर हो गया आपको चलिए अगला चलते हैं तो यूनेस्को क्रिएटिव यूनाइटेड यूनाइटेड से यहाँ मतलब है यूनेस्को तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का मेंबर आपका मुंबई और हैदराबाद चलिए नेक्स्ट अपडेट बच्चों अभी हाल ही में लखनऊ रेलवे स्टेशन पर आपका यूपी के अंदर जो राजधानी है यूपी की लखनऊ तो वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है लखनऊ रेलवे स्टेशन और मैं आपको बता दूँ कि लखनऊ रेलवे स्टेशन का नाम है चारबाग चारबाग बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा लखनऊ का जाना माना रेलवे स्टेशन चारबाग तो चारबाग पर दो हेल्थ एटीएम दो हेल्थ एटीएम वहां पर लगाए गए हैं और इसमें सोलह तरह के स्वास्थ्य जांच यानी कि हेल्थ चेक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए कितने हेल्थ चेक्स की दी जाएगी बच्चा ये सोलह हेल्थ चेक्स आपके जो जैसे शुगर हो गया थायराइड हो गया आपका लीवर टेस्ट हो गया कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हो गया तो इस तरह के 16 जो बहुत महत्वपूर्ण जांच हैं और इनिशियली प्रिलिमिनरी टेस्टिंग के अंदर काम आते हैं प्रैक्टिकल इन्फेक्शन का टेस्ट हो गया बाकी टीबी टेस्ट वगैरह तो ये सारे टेस्ट उसके अंदर जो हैं वो बच्चा लगाए गए हैं ठीक है बात समझ में आ गई तो ये आज के हमारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स गाइज और आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपसे अनुरोध जो बच्चे ऑफलाइन वी, हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें पूरे साल का अपडेट का ये क्लास चलता रहेगा डेली सात बजे ठीक है अभी न्यू ईयर आने वाला और हो सकता है फ्राइडे सैटरडे क्लासेस ना हो क्योंकि एन अकेडमी की तरफ से नमस्ते आरती शर्मा जी नमस्कार नमस्कार और पूरे साल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं और फिर जाते जाते इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं अगर ये पूरा वीडियो आपका छूट गया है तो समझ लीजिए बहुत कुछ छूट गया है इसको देख लीजिएगा बाद में रिवाइंड करके ठीक है और मैं फिर एक अपडेट देती हूँ आपको कि हमारा ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश मीडियम में एक बैच चल रहा है एन अकेडमी का ये मेरा बैच है इसका नाम है एस्पायर ये बैच इसमें मेरा क्लास सैटरडे संडे आठ से ग्यारह टेक्नोलॉजी और बाकी सारे बेहतरीन टीचर्स के के साथ मेरा कोड है रैना टेन, अगर आप ऑलरेडी प्लस मेंबर हैं तो आप रैना टेन कोड अप्लाई करें और वहाँ पे सीधा सीधा हेलो श्रवण वर्मा जी नमस्कार स्वागत अभिनंदन अच्छा अच्छा श्रवण शर्मा जी आप भी हैं यहाँ पर तो रैना टेन कोड अप्लाई करें और ये मेरा मॉर्निंग का चलता है सुबह दस बजे मैं प्रैक्टिस कराती हूँ डेली सभी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस कराती हूँ मैं यहाँ पर कल क्लास कब है आरती जी कल सात बजे से क्लास है ये मेरा क्लास सुबह ये तो चलता है सुबह दस बजे और जो अभी आप क्लास ले रहे हैं अरे आशीष यार मैं ना बहुत बिजी अभी करती हूँ यार आज भी मेरा क्लास है ग्यारह आज हाँ आशीष एक आपको अपडेट देना है अन अकेडमी पर निःशुल्क वाला क्लास है आप सारे बच्चों के लिए मैंने आज से नया बैच शुरू किया जी एस फाउंडेशन बैच इसके अंदर हम आपको सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे ये अभी नौ बजे क्लास है आशीष आप एक काम करो आप अन अकेडमी का जो है गुड इवनिंग श्रवन जी नमस्कार मेरा नीचे इस वीडियो के नीचे प्रोफाइल लिंक दिया हुआ होगा नीतू केडी डी रैना के नाम से उस पर क्लिक करिए आप सीधा अन अकेडमी पर मेरी प्रोफाइल में पहुंच जाएंगे ये निशुल्क क्लास है नौ बजे क्लास है मेरा आज नौ बजे अन अकेडमी पर स्पेशल क्लास है बच्चों आइएगा जरूर ठीक है बहुत मजा आएगा आपको और बहुत सारा नॉलेज मिलेगा इसमें कोई शुल्क नहीं देना है ये फ्री क्लास है आप लोगों के लिए आशीष यू आर एल कोड नीचे है बच्चा देखो वीडियो के नीचे देखो जहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर क्लिक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पी एस सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर गैना सग्राफ लिखा उस पर क्लिक करो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा गैना सराफ प्रोफाइल लिंक इस पे जाइए इस इसप क्लिक करिए और वहां से जाने के बाद आपको मेरी क्लासेज मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए आपको मेरी क्लास आज की नौ बजे की दिख जाएगी वरना आशीष मैं आपको आशीष आप अपना नंबर दोबारा दे सकते हैं हाँ एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा बच्चों मतलब अनकेडमी अपने मोबाइल पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल आशीष अपना नंबर आप दोबारा दे सकते हो तो बच्चा आपका नंबर मिस हो गया मेरे से एक मिनट में चेक करती हूँ ले मी चेक ले मी चेक आपका नंबर है मेरे पास है मेरे पास दो मिनट रुकीयेगा आशीष जी एक मिनट रुकीयेगा बच्चा हाँ आशीष आपका नंबर है मेरे पास मैं आपको अभी आ, उसका लिंक भेज देती हूँ क्लास का और सारे बच्चे अनअकैडमी का क्लास अभी है नौ बजे है बच्चा नौ बजे क्लास है हाँ अमरदीप वो अर्शदीप समरदीप श्रवण आरती शेफाली आशीष जावेद अहमद अनीता जी सभी को मैं बता रही हूँ कि मेरा एक क्लास अन अकेडमी पर है अभी नौ बजे ठीक है अन अकेडमी पर नौ बजे हमारा क्लास है अभी आप उस पर आ जाइए वो क्लास फ्री है निशुल्क है आप सभी आकर वहाँ पढ़ सकते हैं ठीक है थीके? सभी बच्चे वहाँ पर आ जाए ये इस आ, मेरा प्रोफाइल लिंक का आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर हम यू कोड नहीं डाल पाते हैं तो वो आप जैसे ही मेरे प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आपको जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी वो सब दिखा देगा मेरा कोड है बच्चा रैना टेन माई कोड इज गैना टेन ठीक है सारे बच्चों को मैं देखूंगी आरती आशीष सारे नए बच्चे आएंगे जरूर गैना टेन मेरा कोड है ये तो प्लस वाला कोर्स है इसमें आपको एनरोलमेंट करना पड़ेगा अभी की क्लास मिस हो गई आशीष सुबह भी नहीं आया आप सुबह भी नहीं आए हो आज मैंने सुबह आपको मिस करा था सुबह वाला क्लास में भी नहीं आए हो आप सुबह आई ये वाला क्लास हुआ था सुबह भी नहीं आए आप ठीक है और आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए हैं ये सारी क्लास देख लीजिएगा नोट्स बना लीजिएगा नौ बजे आ जाइए सारे बच्चे फ्री क्लास है फ्री 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 ठीक है आने के लिए रास्ता बता दिया है इस प्रोफाइल के नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर क्लिक करें मुझे मेरी प्रोफाइल पे फॉलो कर दीजिए मेरी सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी ठीक है बाकी सारी बातें बताती हूँ पर आ जाओ आज सारे बच्चे वहीं आ जाओ ठीक है

तो हाँ ठीक है आशदीप आप मेरी क्लास शेयर कर दो उसमें नौ बजे वाली आप उसमें एक मिनट शेयर कर दो ठीक है तो आ जाइए सारे बच्चे वहीं पर और जो बच्चे मेरा टेलीग्राम एड्रेस मांग रहे थे मैं उनको बता देती हूँ टेलीग्राम एड्रेस है मेरा टी डॉट नी पी सी एस रॉयना मतलब अगर आप टेलीग्राम पे पी सी एस रयना डालेंगे हाँ आरती मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है आरती आप एक काम करो आप आप एक काम करो आप, आप अपना नंबर मत देना यहाँ पर Uh, एक काम करो आप जो है ना आप मेरे अन अकेडमी प्रोफाइल पर आ जाओ ठीक है वहीं से आपको व्हाट्सएप ग्रुप दे, दे देंगे हम वहीं पर आ जाइए आप मेरे अनकेडमिक प्रोफाइल पर आ जाओ वहाँ पे मैसेज का ऑप्शन होता है वहाँ पे आपका मैसेज आपका नंबर कोई नहीं देख पाएगा आप वहाँ पे आराम से मैसेज कर सकते हो ठीक है बच्चो uh, हाँ तो आपको ग्रुप में ऐड करवा देंगे हम लोग और वहीं पर सारी चीजें भेज देंगे बिल्कुल ठीक है जी चलिए धन्यवाद बच्चों ज़्यादा दीजिए जो बच्चे मेरा टेलीग्राम एड्रेस मांग रहे थे पी सी एस रहना नौ बजे आपका क्लास है ठीक है कोई बात नहीं आप नौ बजे वाला क्लास है आरती ये मैं जिस क्लास की बात कर रही हूँ ये नौ बजे शुरू होगा और आपको अगर मेरे प्रोफाइल पर आना है तो उसका लिंक नीचे है वहां से आकर आप मेरे प्रोफाइल को व्यू कर सकते हैं ठीक है चलिए थैंक यू सो मच गाइज फिर मिलती हूँ आपसे कल ओके okay? आप मुझे फॉलो कर लो आरती कोई भी क्लास होता है ना आपको अपडेट आ जाएगा एटलीस्ट मतलब अपडेशन आपकी मिस नहीं होगी कहने का मतलब ये है है ना आप हमारी अन अकेडमी प्रोफाइल को मेरी वाली प्रोफाइल को फॉलो कर लोगे फॉलो का बटन होता है फॉलो दबा दो सारी क्लासेस आपको आती रहेंगी उसके अंदर ठीक है जी चलिए थैंक यू सो मच गाइस फिर मिलती हूँ अभी नौ बजे और कल सुबह दस बजे मॉक टेस्ट लेकर थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर गुड नाइट शुभरात्रि जय हिंद वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा रहिएगाइ लाइक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है